तो देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। देखो बच्चों, टेरिडोफाइट्स में मैंने आपको बताया कि टेरिडोफाइट्स दो तरह के होंगे, एक होंगे होमोस्पोरस और दूसरे होंगे हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस, ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, कुछ ही टेरिडोफाइट्स क्या हैं, हेट्रोस्पोरस है, जैसे सेलेजिनेला क्या है, हेट्रोस्पोरस है, लेकिन फर्न क्या है, होमोस्पोरस है। अब देखो यहाँ पर हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा की, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के बारे में। देखो नाम बता रहा है, होमोस्पोरस का मतलब है एक जैसे स्पोर, या तो मेल गैमेट होंगे या फिर फीमेल होंगे, ठीक है। चलो देखो कैसे बनाते हैं, पूरी साइकिल बनाते हैं। यहाँ पर देखो ये आपके क्या हैं, क्या हैं ये, फर्न्स हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही बन रहे होंगे, ठीक है, लेकिन एक पार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा बना दें। एक पार्ट को थोड़ा सा बड़ा क्यों बना रहे, ताकि इसको बड़ा बना के मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि देखो भाई यहाँ पर क्या है, स्पोर, क्या है ये, स्पोर है ना। ज़रा बताओ जो लीफ है जिसपे स्पोरोफिल स्पोर बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल है ना। अगर फीमेल है तो मेगा स्पोरोफिल और मेल है तो माइक्रोस्पोरोफिल। चलो फीमेल बना लेते हैं, कौन सा बनाए, मेल बनाए फीमेल बनाए, बोलो मेल बना लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये है माइक्रो माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल। देखो इस लीफ का नाम है, ये जो लीफ है ना इसका नाम माइक्रो स्पोरोफिल है, ठीक है। तो ये जो स्पोर है ये भी कैसा हो गया, माइक्रो स्पोर हो गया, बोलो हाँ या ना। अब माइक्रो स्पोर को थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं। देखो ये रहा आपका माइक्रो स्पोर, अब माइक्रो स्पोर है तो यहाँ पे माइक्रो स्पोर मदर सेल भी होगी। स्पोर्स कैसे हैं यहाँ पर डिप्लॉयड, स्पोर्स कैसे, क्यों, क्योंकि टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक, जबकि ब्रायोफाइटा और एल्गी की मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, गैमेटोफिटिक थी। तो अगर स्पोरोफिटिक है तो स्पोर बन रहा है, स्पोर क्या है, 2N। अब स्पोर्स के अंदर ही क्या होगा, यहीं पे आप लोग करा लो मियोसिस, क्या करा लो, जैसे आपने मियोसिस कराया तो मियोसिस से क्या हुआ, स्पोर्स बनने लग गए। देखो माइक्रोस्पोर से स्पोर, और मियोसिस में क्या होता है, 2N से क्या बन जाता है, याद है मियोसिस में क्या बनता है, 2N से N बन जाता है। अब क्या होगा, अब ये जो आपका माइक्रोस्पोर था है ना, ये क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा मतलब फट जाएगा। अब फटने के बाद स्पोर्स कहाँ पे आ जाएंगे, ज़मीन पे गिर गए, बोलो ज़मीन पे गिरे कि नहीं। आपको पता है ना टेरिडोफाइटा भी जो है वो कैसी प्लेस पर रहेगा, मॉइस्ट पे, जहाँ पे मॉइस्चर है। तो ये क्या बन गए, स्पोर्स बन गए, और स्पोर्स कैसे होते हैं, एन नंबर, स्पोर्स का प्लॉइडी नंबर क्या है, एन, स्पोर बन गए। अब क्या होता है, स्पोर्स के अंदर, स्पोर्स के अंदर यहाँ पे होता है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस माइटोसिस। क्या होगा स्पोर्स के अंदर, कंटिन्यूअस माइटोसिस होगा, और कंटिन्यूअस माइटोसिस होने की वजह से एक नई बॉडी बन जाएगी जो स्लाइटली हार्ड शेप होगी, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे प्रोथेलस। क्या बोलते हैं, प्रोथेलस। अब इसके बाद प्रोथेलस क्या है, अब प्रोथेलस डेवलप होगा। देखो प्रोथेलस कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, कैसा होगा, ग्रीन कलर। अब प्रोथेलस थोड़ा सा डेवलप होगा और अपना शेप बना लेगा, थोड़ा सा क्या, ज़्यादा सा हार्ट शेप, कैसा शेप बनाया, हार्ट के जैसा, दिल के जैसा शेप बनाया। ये बन गया आपका गैमेटोफाइट, क्या बन गया ये, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का प्लॉइडी नंबर क्या है, एन है। क्या बन गया, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट का प्लॉइडी नंबर कितना है, गैमेटोफाइट का प्लॉइडी नंबर है एन, गैमेटोफाइट बन गया। अब यार एक बात बताओ, जब गैमेटोफाइट बन गया तो इससे पहले ब्रायोफाइटा भी पढ़ा, एल्गी भी पढ़ा, वहाँ पे गैमेटोफाइट पे क्या होता था, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता था कि नहीं। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते थे, एंथ्रीडियम,
मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं? एंथ्रीडियम। तो देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम के अंदर कौन होंगे? एंथ्रोजॉइट्स। कौन होंगे? एंथ्रोजॉइट्स। ये एंथ्रीडियम बन गया, ये क्या है? ये एंथ्रोजॉइट, एंथ्रोजॉइट्स, ठीक है। साथ में यहां पे फीमेल, मेल फीमेल गैमेट भी है ना, इसको क्या बोलते थे? आर्चिगोनिया। और आर्चिगोनिया में कौन आएगा? एग आ जाएगा। कौन आ गया? एग। अब मॉइस्ट जगह है, पानी के आसपास ही रहते हैं, ये भी पता है ना, ट्रूली टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन परफेक्टली नहीं है, यानी इनको भी रिप्रोडक्शन के पानी की नीड है ना। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स है, लेकिन ट्रूली नहीं है, क्लियर है। तो इनको पानी की नीड है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं आसपास पानी भी होगा, कहीं आसपास पानी भी होगा। अब होगा क्या, ये जो एंथ्रोजॉइड है ये यहाँ से निकलेंगे पानी में से, और पानी में से निकल के पानी में होते होते कहाँ आ जाएंगे? फीमेल गैमेटोफाइट, आर्चिगोनियम में। जैसे ये आर्चिगोनियम में आए, तो अब इनके बीच में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देखो जरा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये भी एन थे और ये भी एन थे, और दोनों एन एन ने क्या बनाया? 2N। और 2N क्या होता है? जाइगोट। 2N क्या होगा? जाइगोट। और अब ये जो जाइगोट है ना, ये डेवलप होकर के अगेन 2N है ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा, स्पोरोफाइट भी क्या थे? 2N थे, जाइगोट भी 2N, तो 2N से दोबारा क्या बन गया? स्पोरोफाइट बन गया। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से क्या बना? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का कलर कैसा है? देखो यहाँ पे ये राइजोइड्स है ना, ये प्रॉपरली डेवलप नहीं है, ये प्रॉपरली डेवलप नहीं है स्पोरो। देखो टेरिडोफाइटा में, सुनो सुनो, टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन गैमेटोफाइट वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। ये है राइजोइड्स, रूट नहीं है, ये राइजोइड्स हैं ना के रूट है। जबकि यहाँ पर इनका, यहाँ पर कैसी रूट होती है? एडवेंटिशियस रूट होती है। तो स्पोरोफाइट में एडवेंटिशियस रूट थी, लेकिन गैमेटोफाइट में राइजोइड है। दूसरी चीज, अभी अभी मैंने बताया गैमेटोफाइट कैसे कलर के हैं? ग्रीन कलर के हैं। तो अगर गैमेटोफाइट ग्रीन कलर के हैं, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करेंगे? बोलो, करेंगे। तो इसका मतलब क्या इनका गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, या स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है? जबकि ब्रायोफाइटा में क्या हो रहा था? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट थे, है ना, याद है? ब्रायोफाइटा पढ़ा था तो वहाँ पे दो पार्ट पढ़े थे, लीवरवर्थ और मोसेस, जिसमें लीवरवर्थ जो था वो कम्प्लीटली उसका स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था, लेकिन मोसेस का क्या था? पार्शियली या सेमी डिपेंडेंट था। बोलो क्लियर है? चलो चलो, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर गैमेटोफाइट जो है वो भी इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं होता था। बोलो क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? चलो जरा देखो, गैमेटोफाइट कैसा है? ग्रीन कलर, यानी ये भी फोटोसिंथेटिक है। स्पोरोफाइट भी कैसा है? ग्रीन कलर, अभी देखा था ना आप लोगों ने, तो ये भी कैसा है? फोटोसिंथेटिक है। क्लियर है? दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते यहाँ से, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, अब दोनों अलग अलग अपना सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन पानी ज़रूरी है। क्लियर है? हाँ, होमोस्पोरस ट्रेडोफाइट्स में हमने पढ़ लिया कैसे होगा, है ना। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, फिर हेटरोस्पोरस पढ़ेंगे। तो एक बार आप नोट कर लो, फिर लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, लिखो लिखो लिखो, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। दैट इज मेड अप ऑफ, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, दैट इज मेड अप ऑफ डिप्लॉइड सेल। किसकी बनी हुई है? डिप्लॉइड। तो देखो मेन प्लांट बॉडी क्या थी? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक थी, और किसकी बनी हुई है? डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड मतलब 2N, है ना। तो मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, दैट इज मेड अप ऑफ डिप्लॉइड सेल, है ना, एंड 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 रिप्रोड्यूस बाय
एंड रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। किससे रिप्रोड्यूस हो रही थी? देखो क्या स्पोर बन रहा है, माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर। तो रिप्रोड्यूस किसकी वजह से हो रही है? स्पोर के फॉर्मेशन की वजह से। तो एंड रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। हर एक पॉइंट को लिखते रहेंगे और समझते रहेंगे, पूरी एनसीईआरटी कवर है अपनी इसमें, है ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो लिखो। द स्पोरोफाइट बियर्स, द स्पोरोफाइट बियर्स, BEARS बियर्स, स्पोरेंजिया, द स्पोरोफाइट बियर्स, स्पोरेंजिया दैट आर, द स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया दैट आर अटैच्ड, that are attached by leaf-like structure, that are attached by leaf-like structure called sporophyll, called sporophyll, called sporophyll. तो देखो बच्चों, ये जो आपका microspore है ना, ये जो microspore है, इसी को हमने क्या बोला है? स्पोरेंजिया। क्या बोला है? हाँ, तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया जो है वो एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर से अटैच्ड है, और उसी लीफ लाइफ स्ट्रक्चर को क्या बोला? स्पोरोफिल। अगर मेल मेल गैमिट वहाँ पे है तो माइक्रो, और फीमेल है तो मैक्रो स्पोरोफिल। बोलो क्लियर है? पक्का? शाबाश, आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजिया बाय मियोसिस, है ना? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजिया बाय मियोसिस। दैट मीन्स यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये ना स्पोरेंजिया दिख रहा है आपको, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है, और क्या बन रहा है? स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है जो हैप्लॉइड है। तो हमने क्या बोला कि मियोसिस कहाँ पे हो रहा है? स्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है। स्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? स्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है। तो स्पोर्स का फॉर्मेशन स्पोरेंजिया के अंदर होगा, उसके बाद फिर वो बर्स्ट होंगे, फटेंगे, और स्पोरेंजिया क्या होगा, स्पोर्स क्या होंगे, बाहर स्प्रेड हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। जैसे फर्न्स हो गए, तो फर्न किसके एग्जांपल है? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जांपल है। ठीक है, तो क्या बोला हम लोगों ने? मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, दैट इज ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स, दैट इज ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड, दैट इज वन टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, दैट इज वन टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी एक ही जैसे स्पोर बनेंगे, सबका साइज भी सेम होगा। ठीक है, सारी चीज़ें सेम होंगी। बोलो क्लियर है? है ना? इसी में एक पॉइंट और लिखो, नेक्स्ट। सम टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस, सम टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस। ठीक है, अब ये जो हेट्रोस्पोरस है ना टेरिडोफाइट, ये बाकी टेरिडोफाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी यही अब टेरिडो। देखो सुनो, मैंने क्या बोला था, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच की लिंक कौन है? मोसिस, याद है? अब मैं बोल रहा हूँ टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच की लिंक कौन है? तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, सेलिजिनेला साल्विनिया। ठीक है, तो चलो क्या लिखा हम लोगों ने? सम टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस, दैट इज टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स
दैट इज टू टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, माइक्रो स्पोर्ट्स, माइक्रो स्पोर्ट्स एंड टू टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, माइक्रो स्पोर्ट्स एंड मैक्रो स्पोर्ट्स आर प्रेजेंट. माइक्रो स्पोर्ट्स एंड मैक्रो स्पोर्ट्स आर प्रेजेंट. तो दो तरह के होंगे, मैक्रो स्पोर का साइज बड़ा होगा, माइक्रो स्पोर का साइज छोटा होगा. एग्जाम्पल लिख लो सेलिजनेला, एग्जाम्पल लिख लो एस ई एल ए जी आई एन ई डबल एल ए सेलिजनेला. यही है हमारी संजीवनी बूटी. जो संजीवनी बूटी है ना हनुमान जी लेने गए थे, वो यही है. वो सेलिजनेला को ही लेने गए थे. और सेकंड लिख लो साल्विनिया, एस ए एल वी आई एन आई ए, एस ए एल वी आई एन आई ए साल्विनिया. ठीक है. अब देखो, जब मैंने आप लोगों को टाइडोफाइटा के बारे में बताया था तो मैंने वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे. देखो स्ट्रक्चर बनाया था अपन लोगों ने, एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहीं पर. ठीक है. देखो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था. हमने बोला था कि हमारे पास ये टाइडोफाइटा ही इसकी स्टेम है, नीचे इसके एडवेंटिशियस रूट्स है, याद है. फिर यहाँ पर लीव्स थी, जो बड़ी लीव्स थी उनको क्या बोलते थे, मेगाफिल्स या मैक्रोफिल्स, और जो छोटी लीव्स थी उनको क्या बोलते थे, माइक्रोफिल्स. अच्छा, कुछ लीव्स ऐसी थी जिन पे स्पोर्ट्स प्रेजेंट नहीं थे. देखो इन पे स्पोर्ट्स प्रेजेंट है, इन पे और एक दो नहीं होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स प्रेजेंट. अभी अभी आपने देखा है, अभी अभी आपने टाइडोफाइटा देखा था प्लांट, तो उस पर आपने देखा था ना, एक स्पोर्ट नहीं है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं. लेकिन कुछ लीव्स ऐसी हैं जिन पे स्पोर्ट्स नहीं होते, वो होती है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव लीव्स. वेजिटेटिव लीव्स का सिर्फ एक ही काम है, क्या, फोटो, हाँ फोटोसिंथेसिस. क्या काम है इनका, फोटोसिंथेसिस. तो वेजिटेटिव लीव्स सिर्फ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस. क्लियर है, बोलो हाँ या ना. अच्छा, मैक्रोफिल्स और माइक्रोफिल्स मेन क्या करेंगी, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगी. बोलो क्लियर है. चलो तो लिखो, ज़रा लिखो, ग्रीन एंड नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स, ग्रीन एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल लीव्स हैं जिन पर कुछ भी कोई स्पोर वगैरह नहीं है. ग्रीन एंड नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स आर नोन एज ग्रीन एंड नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स आर नोन एज वेजिटेटिव लीव्स, आर नोन एज वेजिटेटिव लीव्स स्लैश लगा के लिख लेना फॉलिएज. और क्या बोलते हैं, फॉलिएज बोलते हैं. ठीक है, तो वेजिटेटिव लीव्स स्लैश फॉलिएज. देखो ये लिखा एफ ओ एल आई ए जी ई, स्लैश लगा के एक और लिखो ट्रोफोफिल्स, टी आर ओ पी एच ओ पी एच वाई डबल एल एस ट्रोपोफिल्स. ठीक है, टी आर ओ पी एच ओ पी एच वाई डबल एल एस. तो वेजिटेटिव लीव्स को ही एग्जामिनर क्या बोल देगा, फॉलिएज बोल देगा, या क्या बोल देगा, ट्रोफोफिल्स बोल देगा. बोलो क्लियर है. ठीक है, आगे लिखो इसी में एंड द लीव्स ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड, द लीव्स ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड कॉल्ड, द लीव्स ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड कॉल्ड स्पोरोफिल्स. क्या बोलेंगे इन लीव्स को, क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स. क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल्स. अगर बड़ी है तो मेगा स्पोरोफिल्स, देखो ये रहा, और छोटी है तो माइक्रो स्पोरोफिल्स. ठीक है, शाबाश, है ना. ब्रैकेट में लिख लो रिप्रोडक्टिव लीव्स. तो स्पोरोफिल्स कैसी लीव्स है, रिप्रोडक्टिव. जबकि फॉलिएज या ट्रोफोफिल्स या वेजिटेटिव लीव्स क्या थी, फोटोसिंथेटिक लीव्स थी. बोलो क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड
एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सोरी. स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सोरी, एस ओ आर आई. सिंगुलर अगर कोई बोलता है यानी एक लीफ के लिए आप बोलोगे तो सिंगुलर आप बोलोगे सोरस. एक स्पोर के लिए क्या बोलोगे? सोरस. ठीक है, पूरे ग्रुप को क्या बोल रहे हैं अपन लोग? सोरी. ठीक है, देखो कैसे, एक बार मैं बना के बताऊँ आपको. देखो ये एक लीफ है इसकी, है ना. लीफ में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये दिख रहे हैं, ये स्पोरेंजिया दिख रही है. देखो स्पोरेंजिया दिख रही है, तो ये स्पोरेंजिया का क्या है, ये स्पोरेंजिया का ग्रुप है. और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है, इसको भी क्या बोलते हैं? सॉरी. तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड सॉरी. तो हमने क्या लिखा, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ग्रुप एंड दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड सॉरी. ठीक है, और कहाँ पे पाई जाएंगी? स्पोरोफिल्स में ही पाई जाएंगी, ऑब्वियसली बात है, लीव्स में ही पाई जाएंगी, है ना. तो क्या लिखा, सॉरी लिखा. और नेक्स्ट लिख लो, इसी में लिखो सॉरी आर फाउंड इन स्पोरोफिल्स. सॉरी आर, एस ओ आर आई, सॉरी आर फाउंड इन स्पोरोफिल्स. ये जो लीव्स हैं इनको क्या बोला है? स्पोरोफिल्स. देखो बार बार बोल रहा हूँ कि लीव्स को स्पोरोफिल बोलते हैं, यहाँ पे भी बताया है, तो ये याद होना चाहिए आपको. ठीक है, तो सॉरी कहाँ पे होंगी? स्पोरोफिल्स पे. बनाओ सर इस डायग्राम को, बनाओ, छोटा सा है. तो इसी में एक पॉइंट और लिखो, उसको नोट डाल के लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के लिखो. देखो नॉर्मली हम लोगों ने क्या बोला कि टाइडोफाइटा में दो तरह की लीव्स थी, स्पोरोफिल्स थे और दूसरी वेजिटेटिव लीव्स थी. और वेजिटेटिव लीव्स क्या करती थी? फोटोसिंथेसिस करती थी. और स्पोरोफिल्स क्या कर रही है? रिप्रोडक्शन कर रही है. यही पढ़ा? अरे बोलो. लेकिन जो फर्न्स होते हैं ना, फर्न, उनमें जो स्पोरोफिल्स होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. यानी फर्न्स में स्पोरोफिल्स जो है वो रिप्रोडक्शन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. तो ये पूछा जा सकता है. ठीक है, तो चलो लिखो, नोट डाल के लिखो. इन फर्न, एफ ई आर एन एस, इन फर्न्स स्पोरोफिल्स आर ऑल्सो, इन फर्न्स स्पोरोफिल्स आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक. इन फर्न्स स्पोरोफिल्स आर ऑल्सो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक, है ना. एंड दिस इज द यूनिक करेक्टर ऑफ फर्न्स, एंड दिस इज द यूनिक करेक्टर ऑफ फर्न्स. यानी फर्न के ही यूनिक करेक्टर है भाई, आप इन्हीं चीजों से पहचान सकते हो, है ना. क्लियर है? बहुत अच्छे. नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब हो क्या रहा है, नॉर्मली जब हम बात कर रहे थे लीव्स के बारे में तो आप सबको देखो क्या मिल रहा था, स्पोरोफिल्स लीव्स मिल रही थी. लेकिन कुछ टाइडोफाइटा ऐसे होते हैं, ज़्यादातर हेट्रोस्पोरस, सेलेजिनेला, साल्विनिया, इनमें क्या होता है, इनमें जो स्पोरोफिल्स है ना, ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं. और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाए क्या बनाती है, कोन जैसा शेप बना लेती हैं. तो उनको हम लोग कोन बोलते हैं या स्ट्रोबेलाई बोलते हैं. ठीक है, तो इनकी लीव्स क्या करती है, कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, है ना. लेकिन वो ज़्यादातर हेट्रोस्पोरस होते हैं, जैसे सेलेजिनेला. ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन सम केसेस स्पोरोफिल्स मे फॉर्म, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर. ये एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, है ना. इन सम केसेस स्पोरोफिल्स मे, एम ए वाई, मे फॉर्म, एफ ओ आर एम फॉर्म, डिस्टिंक्ट, डी आई एस टी आई एन सी टी, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट, सी ओ एम पी ए सी टी, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबेलाई, एस टी आर ओ बी आई डबल एल आई, स्ट्रोबेलाई और कोन, कॉल्ड स्ट्रोबेलाई और कोन. ठीक है, और एग्जाम्पल लिख लो, किन किन में स्ट्रोबेलाई या कोन बनते हैं, पूछा जाता है कि टाइडोफाइटा में कोन्स किस में या स्ट्रोबेलाई किस में फॉर्म हो रहा है. तो सेलेजिनेला और इक्विसीटम, इक्विसीटम का स्ट्रक्चर देखा है ना इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे कोन टाइप का बना रहता है ना.
तो एग्जांपल सेलेजनेला एस ई एल ए जी आई एन ई डबल एल ए सेलेजनेला एंड एंड इक्विसीटम ई क्यू यू आई एस ई टी यू एम एंड इक्विसीटम बोलो क्लियर है. अरे बोलो शाबाश. नेक्स्ट पॉइंट फर्न्स कभी भी कोन नहीं बनाते हैं. ठीक है टेरिडोफाइटा दो पार्ट में डिवाइडेड है एक फर्न्स और एक हॉर्सटेल. बोलो हाँ या ना. तो फर्न्स कभी भी कोन नहीं बनाते हैं. कोन किसमें बन रही है हॉर्सटेल में. इसका मतलब सेलेजनेला और इक्विसीटम किसका एग्जांपल है हॉर्सटेल का एग्जांपल है. क्लियर है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो फर्न्स डू नॉट फॉर्म कोन्स. फर्न्स डू नॉट फॉर्म कोन्स. ठीक है क्लियर है. बोलो हाँ या ना. अब एक चीज लास्ट पॉइंट देखो जैसे ही हम टाइडोफाइट्स की बात करते हैं मैं यहां पे बनाता हूं. जैसे हम टाइडोफाइट्स की बात कर रहे हैं तो टाइडोफाइट्स में आप लोगों ने क्या देखा कि टाइडोफाइट जो है उसमें दो तरह के फेज आ रहे हैं स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक. अब देखो समझो स्पोरोफिटिक में आपने देखा कि स्पोरोफिटिक फेज जो है वो स्पोरोफाइट कैसे हैं गैमेटोफाइट लिख लेते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट्स वेल डेवलप्ड थे. कैसे थे वेल डेवलप्ड थे. आपने देखा था ना अभी कि उनके पास रूट्स भी हैं स्टेम्स भी हैं लीव्स भी हैं लेकिन गैमेटोफाइट क्या थे नॉट डेवलप्ड. वो डेवलप नहीं है. कैसे स्पोरोफाइट वेस्कुलर होते हैं. कैसे होते हैं वेस्कुलर जबकि गैमेटोफाइट नॉन वेस्कुलर होते हैं. वेस्कुलर मतलब जाइलमेंड. हाँ जाइलमेंड फ्लोएम प्रेजेंट. ये प्रेजेंट है ना ये प्रेजेंट ऐसे लिखता हूँ मैं. नॉन वेस्कुलर में जाइलम और फ्लोएम एंड फ्लोएम एब्सेंट. तो ये बात जरूर याद रखनी है. अच्छा दोनों के दोनों हैं कैसे इंडिपेंडेंट है. दोनों में तो कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है. दोनों के दोनों कैसे हैं फोटोसिंथेटिक है. क्लियर है पक्का. तो ये था आपका टेरिडोफाइट का होमोस्पोरस. अब नेक्स्ट लेक्चर में हेट्रोस्पोरस की साइकिल है. छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको करते ही नेक्स्ट लेक्चर में आपका टेरिडोफाइट खत्म. फिर हम आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म पे. तो एक बार नोट कर लो इसको.